हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंड रिव्यू भी छोटा सा एक शेयर करूंगी अबाउट प्रेस्टीज स्कॉट ग्लास कुकटॉप। सो ये ग्लास कुकटॉप है। अगर आप नया ग्लास कुकटॉप लेना चाहते हैं तो कौन सा बेहतर रहेगा उसके बारे में आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और ये जो पर्टिकुलर मॉडल मैंने लिया है प्रेस्टीज से, इसका मॉडल नंबर प्रेस्टीज रॉयल प्लस GT 03L 3 बर्नर स्कॉट ग्लास टॉप है। ये ब्लैक कलर में है और ये मैनुअल इग्निशन में है, यानी कि आपको लाइटर से इसको जलाना पड़ेगा। ये ऑटो पे नहीं है। इसमें आपको 2 बर्नर्स भी मिल जाएंगे और 4 बर्नर्स भी मिल जाएंगे। तो जो भी मॉडल नंबर है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी और नाम भी मैंशन कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये है मेरा नया ग्लास कुकटॉप और इसके बारे में मैं आपको पूरा अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये पैकेजिंग में आता है, इसकी क्या प्राइस है और इसके क्या गुड फीचर्स है जिसकी वजह से मैंने इसको लिया, वो सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो बेसिकली एक जेन्युइन अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट को लेने में या इस तरीके के प्रोडक्ट्स के बारे में जानने में, तो यस, वीडियो में बने रहिए। विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट को मैंने लिया है अमेज़ॉन से और इस तरीके की काफ़ी सिक्योर पैकेजिंग के साथ में ये आया है। सो टूटने वगैरह का डर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो 10 डेज़ रिटर्न पॉलिसी भी है अमेज़ॉन पे, तो आप रिटर्न भी कर सकते हो। एंड इसके साथ हम अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसके साथ में क्या क्या चीज़ें हमें मिली है। बट अगर आपको ग्लास टॉप में इंटरेस्ट नहीं है, स्टील कुकटॉप में इंटरेस्ट है, तो उसका भी रिव्यू मेरे चैनल पर है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगी, आप चेकआउट जरूर करें। सो खुलने के बाद ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आया था। 3 बर्नर का ये गैस स्टव है, ग्लास टॉप है। जो ग्लास है वो इसका स्कॉट ग्लास है, जो कि स्कॉट ग्लास की जो वारंटी है वो लाइफ लॉन्ग वारंटी होती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और हाई क्वालिटी ग्लास। अभी तक जो टफन ग्लास चलता था बट उससे भी बेहतर क्वालिटी का ग्लास है ये स्कॉट ग्लास। और उसके बाद इसमें बर्नर्स जो है वो ब्रास के बर्नर्स है और इस तरीके से 3 नॉब दी हुई हैं जिनका डिज़ाइन इस तरीके से है तो कि आप बहुत ही इजीली इनको मूव कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका बेसिक डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर ये मेंशन है, ब्रांडिंग दी हुई है प्रेस्टीज की और लिखा हुआ है कि लाइफ टाइम वारंटी ऑन स्कॉट ग्लास। मतलब ये जो ग्लास है इसकी लाइफ लॉन्ग वारंटी की, कभी भी टूटेगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए है। और बाकी वारंटी कार्ड मिलता है तो उसमें सारी कंडीशंस दी हुई होती हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिनमें कि ये वारंटी आप अवेल कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ ग्लास है और ये इसमें सबाफ वॉल्व दिया हुआ है जो कि सेफ्टी के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए, और बहुत ही इसकी जो फंक्शनिंग है जो ये गैस टॉप की वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है इस सबाफ गैस वॉल्व से। उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि बर्नर प्रोटेक्टर इस तरीके से ब्लैक कलर का दिया हुआ है सारे तरफ। इससे क्या कोई चीज़ अगर स्पिल हो जाती है तो आपका जो बर्नर के आसपास का एरिया है वो गंदा नहीं होता है, वो जलता नहीं है। क्योंकि अगर ये गैस प्रोटेक्टर नहीं होता, बर्नर प्रोटेक्टर अगर नहीं देते तो जो भी चीज़ें गिरती ना वो गैस के आँच से या जो हीट निकलती है उससे जल के और पास का जो एरिया है वो एकदम ही जला सा रहता है, उसको क्लीनिंग में आपको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इस तरीके से प्रोटेक्टर्स देने से आपका जो गैस स्टव है उसको क्लीन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर 3 नॉब्स है जिनको कि बहुत ही स्मूथली आप ऑन और ऑफ तीनों सब चीज़ें मेंशन है और अच्छा है। और नीचे का भी डिज़ाइन आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का एल्यूमिनियम से पाइप्स जो भी हैं बने हुए हैं और पाइप जो है वो काफ़ी अच्छे से गैस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको जब आप कुकिंग करते हो तो आपका जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर्ली होता है और आपका कुकिंग टाइम जो है वो बचता है और कुकिंग अच्छे से होती है। उसके बाद ये आपको ये जो पाइप नोज़ल दिया है ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। आपका सिलेंडर या आपका गैस पाइप कहीं पर भी हो आप आराम से इसको कर सकते हो। उसके बाद हर बर्नर में आप देख सकते हो ट्राई पिन बर्नर्स बोलते हैं इनको। इससे आपका जो बर्तन है और साथ में आपको ये पैन सपोर्टर ये जो दिया रहता है हर गैस स्टव के साथ ऑब्वियसली मिलता ही है, तो उससे आपके बर्तन जो है जब आप कुकिंग करते हो छोटे हो या फिर बड़े हो वो मूव नहीं होते, बहुत ही स्टेबल तरीके से गैस स्टव पे रहते हैं और कुकिंग आप जैसे भी कर रहे हो तो गिरने करने का डर नहीं रहता है। तो इसकी वजह से ये एक अच्छा फीचर है कि इसमें ट्राई पिन बर्नर्स मिल रहे हैं और साथ में आपको बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का पैन सपोर्ट भी मिल रहा है। उसके बाद इसमें एक ये छोटी सी प्लेट मिलती है जिससे कि आपका जो पैन एरिया है, अगर कोई आप छोटा बर्तन रख के कुक करना चाहते हैं, तड़का वगैरह देना चाहते हैं, तो ये रिड्यूस कर देता है साइज़, बर्नर का जो साइज़ है उसको छोटा कर देता है और आपके बर्तन स्टेबल रहते हैं कुकिंग के टाइम पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ में ये जो बर्नर्स है ये ब्रास के बर्नर्स हैं और ये 3 साइज़ में आपको मिलते हैं, एक लो हीट के लिए, एक मीडियम और एक हाई फ्लेम के लिए। तो आपकी जैसी कुकिंग हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ब्रास बर्नर्स जो हैं वो बेस्ट होते हैं कुकिंग को स्मूथ बनाने में और इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट करने में, इसलिए इसके साथ में बेस्ट है कि ब्रास बर्नर मिले हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप पैन, जो छोटा वाला पैन रिड्यूसर, पैन सपोर्ट रिड्यूसर जो भी आप बोलना चाहें वो इसमें मिला हुआ है। और साथ में एक इस तरीके का पिन जैसा मिलता है जिससे कि आप जितने भी बर्नर्स को, अगर कोई खाना वगैरह फंस जाता है कुछ भी है, तो उसको क्लीन करने के लिए ये एक अटैचमेंट दिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन नॉर्मल जो मेरे पास जितने भी बर्नर्स मैंने कभी यूज़ किए हैं जो भी है उनके साथ तो कभी ये सब नहीं मिला है, लेकिन इसके साथ में ये मिला है। और ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि जहाँ पर भी आप इसको रखेंगे ये प्लेट को, तो आपका जो बर्नर का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। तो ये अटैचमेंट काफ़ी अच्छे लगे मुझे। स्पेस की अगर बात करूँ तो सारे तीनों बर्नर्स के बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी स्पेस दी हुई है। तो बड़े बड़े बर्तनों पे भी अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, आपकी फैमिली बड़ी है, सो उसमें बर्तन आपस में टकराएंगे नहीं और कुकिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। बट इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी है। सो इसके प्राइस की अगर बात करूँ तो 10,500 या 700 ऐसा कुछ इसका MRP है, लेकिन आपको Amazon पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट में मिलेगा। मुझे भी ये करीब 6,000 के आसपास का पड़ा है। और इसके कुछ खास फीचर्स को मैं समअप कर देती हूँ और एक आध ड्रॉबैक्स भी आपको समअप कर देती हूँ और अपना फाइनल वर्डिक्ट आपको बताती हूँ कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके खास फीचर ये है कि ग्लास टॉप में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ग्लास टूटने की, जो कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा अभी तक का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है। आपको स्कॉट ग्लास मिलता है जिसकी वारंटी आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। साथ में इस प्रोडक्ट की पूरी वारंटी अगर मैं बात करूँ तो 2 इयर्स की वारंटी मिलती है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए। और उसके बाद इसमें ब्रास बर्नर्स मिलते हैं जो कि हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। और उसके बाद आपको बर्नर प्रोटेक्टर मिल रहा है और पैन सपोर्ट मिल रहा है और वो जो छोटी वाली प्लेट मिल रही है वो तो बहुत ही अच्छी फीचर है इसका। साथ में आपको पिन भी मिलता है क्लीनिंग को ईजी बनाने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतने पैसे देने के बाद अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो और उसको आप देखते हो तो आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जो कि इस प्रोडक्ट में मिलता है। इसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत ही सुंदर ये लगता है और नई टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, आप भी लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। नॉर्मली गैस स्टव जो हम ग्लास वाले लेते हैं उनमें टूटने का काफ़ी डर रहता है, इस वजह से हम लोगों ने ये वाला मॉडल पसंद किया है। थोड़ा सा ये बाकी नॉर्मल ग्लास टॉप से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग सकता है, बट इसमें वो वारंटी जो आती है आपको लाइफ टाइम वारंटी ग्लास की, उसको उस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपको देखना है तो आप लिंक चेकआउट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरा रिव्यू अनबॉक्सिंग अगर आपको हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ में शेयर भी कीजिए और कॉमेंट करके अपनी क्वेरीज या अपने कॉम्प्लीमेंट आप मुझे दे सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। एंड यस, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।